नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल सुसत्य वचन। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर लेकर हम आपके लिए आए हैं, तमाम आशावान शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि उन अभ्यर्थियों के लिए नया नोटिफिकेशन जारी हो गया है जो कि असफल हो गए थे या फिर किसी भी कारण से शिक्षक बनने से चूक गए थे। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों कि तमाम आशा लगाए वो शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार था, बेसब्री से वे इन्हें जानने हेतु बेकरार थे, उन्हें दो बार मिलेंगे अवसर। और दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर है कि तमाम नवनियुक्त शिक्षक जो कि नियुक्ति पत्र प्राप्ति उपरांत शिक्षक बन गए हैं, उन्हें अभी वेतन के लिए करना होगा इंतजार। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं इन तमाम बिंदुओं को विस्तार से। इससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, हम आपको बता दें कि तमाम शिक्षक बनने के लिए वे अभ्यर्थी जो कि किसी भी कारण से चूक गए थे या फिर असफल हो गए थे या फिर सफलता की सूची में उनका नाम शामिल नहीं हो पाया था, उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए एक अवसर आ गया है। उनके लिए नया नोटिफिकेशन जारी हो गई है और ये सीटेट के रूप में दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज ही सीटेट के द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी की गई है कि तमाम वे अभ्यर्थी जो शिक्षक बनना चाहते हैं 1 से 5 के लिए और 6 to 8 के लिए, उनका परीक्षा बिल्कुल रूप से 21 जनवरी 2024 को आयोजित की जाएगी। सच दोस्तों, यह निर्धारित कर दी गई है कि तमाम वे अभ्यर्थी जो कि सीटेट में बैठना चाहते हैं वे अपना ऑनलाइन आवेदन भरे और आवेदन के उपरांत उनकी परीक्षा 21 जनवरी 2024 को आयोजित की जाएगी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि यह एप्लीकेशन ऑनलाइन प्रारंभ भी हो गई है। आप सभी दोस्तों से आग्रह है कि अपने परिवार या फिर जो भी दोस्त हो उन्हें यह खबर निश्चित रूप से हमारे वीडियो को शेयर करके पहुंचा दें। दोस्तों, एक बड़ी बात बता दूं कि आज ही यह नोटिफिकेशन जारी की गई है और आज से ही यह ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना प्रारंभ हो गया है। आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए सबसे अंतिम तारीख जो कि 23 नवंबर 2023 निर्धारित की गई है दोस्तों, तो आप 3 नवंबर 2023 से लेकर 23 नवंबर 2023 तक सीटेट के किसी भी पेपर या फिर दोनों पेपर के लिए आप फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात दोस्तों कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो किसी भी कारण से चूक गए थे, उनका सफलता की सूची में नाम नहीं आ पाया था, उनके लिए बहुत बड़ी खबर छप कर ये आई है कि उन्हें दो बार अवसर प्रदान किए जाएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि तमाम 15,000 सीटें जिस पर अयोग्य अभ्यर्थी शामिल हो गए थे या फिर काउंसलिंग करा लिए थे या फिर उन्होंने नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं किया है, अपना सीट छोड़ दिया है, वैसे अभ्यर्थियों के 15,000 सीट खाली हो गए हैं और उन सीटों पर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। साथियों, आप सभी को पता है कि आज 3 नवंबर 2023 को सेकेंड मेरिट लिस्ट के साथ साथ नया नोटिफिकेशन जारी होने की बात बीपीएससी के द्वारा कही गई थी, परंतु दोस्तों कुछ कठिनाइयां सामने आने के कारण यह बिल्कुल नोटिफिकेशन जारी अभी तक नहीं की गई है। हो सकता है देर रात तक यह जारी कर दी जाए। इसका सबसे बड़ा कारण ये था दोस्तों कि बीपीएससी द्वारा तमाम रिक्त पड़े सीटों की गिनती की जा रही थी कि आखिर कितने अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया है, और इसका सही सही आंकड़ा प्राप्त होने के उपरांत ही उस पर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी की जाती। इसके अलावे बीपीएससी यह निर्धारित करने में जुटी है कि तमाम जिलों में कितने फर्जी अभ्यर्थी पाए गए हैं। हम आपको बता दें कि एक साथ औरंगाबाद जिले में कुल 24 शिक्षक फर्जी पाए गए थे, नवनियुक्त शिक्षक थे जिन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं की गई। इसके अलावे मुजफ्फरपुर जिले में एक साथ 37 अभ्यर्थी फर्जी पाए गए थे जिन्हें नियुक्ति पत्र वितरण से वंचित होना पड़ा,
जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से तमाम जिलों से यह आंकड़े प्राप्त किए जा रहे हैं और उसी के आधार पर सेकंड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, इसीलिए आज नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। इस तरह से सभी सीटों को मिला दिया जाए तो कुल मिलाकर लगभग लगभग 15,000 ऐसे सीटें प्राप्त हो जाएंगी जिस पर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और नीचे के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। और दूसरी बड़ी बात दोस्तों कि हम आपको बताएं कि दो बार मिलेंगे मौके, तो ये बात सच है कि ये खबर छन के आई है कि तमाम अभ्यर्थियों को दो बार इस रूप में मौका मिलेंगे कि अब जो नई नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा जारी होने वाली है उसमें प्राथमिक संवर्ग के लिए भी अप्लीकेशन मांगे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो भी सीट नियोजित शिक्षकों के खाली पड़े हैं या फिर खाली हो गए हैं, यानी कुल मिलाकर 28,000 सीटें तो नियोजित शिक्षक के नियुक्ति पत्र प्राप्ति के उपरांत ही खाली हो गए हैं, उन तमाम सीटों पर नए नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, ये खबर छन के आई है। और एक बार फिर से इस मद में कम से कम तो 30,000, लगभग 30,000 सीटें निर्धारित हो जाएगी और उस पर नए आवेदन मांगे जाएंगे। तो डबल मौका आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से इसलिए है, तमाम बंधुओं के लिए इस रूप में है कि पहली बार जो कि आशावान बन के बैठे हैं सेकंड मेरिट लिस्ट या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट, इसके लिए एक बार उनको वहां मौका मिलेगा। और दूसरी बड़ी बात दोस्तों कि सेकंड नोटिफिकेशन जारी यानी फेज टू का नोटिफिकेशन जो जारी होंगे उसमें प्राथमिक संवर्ग के भी सीट और आवेदन मांगे जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। और आप सभी जान चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच के माध्यम से ही यह घोषणा कर दी है कि अब जो नियुक्ति की प्रक्रिया होगी वह बिल्कुल 2 महीने के अंदर पूरी तरह संपन्न कर ली जाएगी, यानी प्रारंभ से लेकर नियुक्ति पत्र के वितरण तक 2 माह से अधिक नहीं लगेंगे। हम दोस्तों आपको बता दें कि द्वितीय फेज में जो भी थे मुख्यमंत्री महोदय ने 1,20,000 सीटों की घोषणा मंच के माध्यम से ही कर दी थी। साथियों, इन 1,20,000 में 70,000 सीटें जो कि इससे पहले आप जान चुके हैं वो निर्धारित है। इसके अलावा जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक संवर्ग के 50,000 सीटें खाली रह गई है उस पर उसको जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर 1,20,000 नए सीटों पर नई वैकेंसी जारी की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों कि जो खबर आई है प्राथमिक संवर्ग के लगभग 30,000 सीटें और भी इसमें निर्धारित करके जोड़ दी जाएगी, यानी कुल मिलाकर जोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से 1,50,000 सीटें आने वाली है जिस पर नए अभ्यर्थियों को बिल्कुल रूप से मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर थी। और तीसरी बड़ी खबर आप तमाम नवनियुक्त शिक्षकों के लिए जो कि नियुक्ति पत्र प्राप्ति के उपरांत नवनियुक्त शिक्षक बन गए हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत बड़ी खबर ये है कि यह क्लियर हो चुका है, यह स्पष्ट हो चुका है कि जो भी अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र प्राप्त कर चुके हैं, प्रशिक्षण योगदान कर चुके हैं या फिर उन्मुखीकरण प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, अभी उनकी नियुक्ति नहीं मानी जाएगी। उन्हें विद्यालय आवंटन के उपरांत जिस तिथि को वो विद्यालय योगदान करेंगे उनकी नौकरी उसी तिथि से मानी जाएगी और उनका वेतन उसी तिथि से देय होगा। तो आप तमाम बिहार से बाहर के अभ्यर्थी भी स्पष्ट हो ले और बिहार के अंदर के अभ्यर्थी भी स्पष्ट हो ले कि अभी जो भी मेहनत कर रहे हैं आप वो भविष्य के लिए कर रहे हैं, आपकी सैलरी अभी तय बिल्कुल तय तिथि से निर्धारित नहीं की गई है। जिस दिन आप विद्यालय योगदान कर लेंगे आपकी नियुक्ति उसी तिथि को मानी जाएगी और आपका वेतन उसी तिथि से देय होगा। तो दोस्तों ये तमाम बड़ी खबर आपके लिए हम लेकर आए थे। हम आपके लिए ऐसे ही एक से बढ़कर एक खबर लेकर आते रहेंगे। हमारे इस खबर को आप तमाम अपने दोस्तों सगे संबंधियों के पास अवश्य शेयर कर दें ताकि उन्हें भी नए नोटिफिकेशन की जानकारी मिल जाए और इसका पूरा पूरा उन्हें भी लाभ मिले। तो आप सभी के लिए कंग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। आप अप्लीकेशन डायल करें और सीटेट का फॉर्म भरें और सेकंड मेरिट लिस्ट वाले आप बेसब्री से जो इंतजार कर रहे हैं, आपका समय बिल्कुल निकट आ चुकी है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।